सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपके सामने है यामाहा MT-15 जो कि है वर्जन 2, और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग अपना जो ये टायर हगर है इसका साड़ी गार्ड कैसे निकाल सकते हो। आप लोग देख सकते हो जैसे कि आप लोगों का इधर एक साड़ी गार्ड होता है जो कि देखने में एकदम ही गंदा लगता है क्योंकि एक स्पोर्ट्स बाइक है, और अगर इसमें आप साड़ी गार्ड मतलब लगता रहेगा तो एकदम ही लुक्स बहुत ही ख़राब आता है। तो इसीलिए मैं ये साड़ी गार्ड मैंने निकाल दिया है। मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा साड़ी गार्ड, आप मतलब MT-15 वर्जन 1 हो या 2 हो, आप कैसे इधर से साड़ी गार्ड निकाल सकते हो। देखो एकदम क्लीन लुक आता है, एकदम क्लीन लुक आता है, और साड़ी गार्ड जो रहता है एकदम देखने में गंदा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को दो टूल का ज़रूरत होगा। एक है आपका ये 10 नंबर का, और दूसरा है आपका ये 7 नंबर का। तो ये तो आप अगर घर में है तो आप इजीली कर सकते हो, अगर घर में नहीं भी है तो भी चलेगा। आप किसी गैराज में जाओ, किसी शॉप में जाओ, और इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। तो निकालने के लिए इधर एज यू कैन सी इधर दो स्क्रू है, और मैं इस साइड से भी दिखा देता हूँ, इधर दो स्क्रू है, आपको इसको बस खोलना है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको उल्टा खोलना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको फटाफट से खोल लेता हूँ। और भाई Two hours later. और ये दो साइड से निकल गए हैं, और अभी हम क्या करेंगे, ये दो साइड जो है यहाँ से हम निकाल देंगे। तो एज यू कैन सी ये 4 स्क्रू जो है निकल गए हैं, और हमारा जो पूरा टायर अगर है ये भी बाइक से निकल गया, और अभी आप इसका लुक्स देख सकते हो। भाई साहब, बाइक्स का क्या क्लीन लुक आ रहा है पीछे से, मतलब कटाई एकदम ट्रैक बाइक, पूरा क्लीन लुक देख सकते हो। तो ये तो हो गया बाइक के ऊपर, तो अब हम जा रहे हैं इसको मॉडिफाई करने। तो ये 4 स्क्रू निकल गए, तो इसको हम फिर से बाइक पे लगा देंगे, क्योंकि अगर ये घूम गया तो बाद में मैं इसको लगा नहीं पाऊंगा। तो मैं इसको यहाँ पे फटफट से फिट कर लेता हूँ। 10 seconds later. तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने जो 4 स्क्रू है यहाँ पे फिट कर दिए है फिर से, ये स्क्रू ताकि घूम ना जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जो 7 नंबर का जो स्क्रू है इसको आपको लेना है। फिर मैं पहले फोन को रख लेता हूँ। फिर आप लोगों को अपना टायर हगर लेना है, ये जो नट है मैं पहले फोकस कर लेता हूँ। अब इसको खोल सकते हो ऐसे, आप इसको खोल सकते हो। देखा कितना आसानी से ये खुल गया, ये खुल जाता है पूरा, ये पूरा खुल जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे क्या करना है, ये नट भी खोलना है, ये नट भी खोलना है, और यहाँ पे जितना नट है ये सब देख सकते हो, ये सब यही वाले स्क्रू से खुलेगा, इन सब को खोलना है। और खोलने के बाद क्या होगा, आप लोगों का जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, ये फ्रेम निकल आएगा, मतलब ये स्टील का जो फ्रेम है ये फ्रेम निकल जाएगा। तो जब आप लोगों का ये वाला फ्रेम निकल जाएगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से कटा हुआ है, और
इधर से भी देख सकते हो इधर से कटा हुआ है। फिर मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, तो अगर मैं उल्टा भी कर दूं, तो इस साइड से भी ये कटा हुआ है, इस साइड से भी ये कटा हुआ है, हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है, 10 नंबर के जो मैंने दिखाए स्क्रू से पूरा टायर अगर खोल लेना है, फिर ये 7 नंबर का यूज़ करना है, ये सारे के सारे जो नट्स है इन लोगों को खोलना है। फिर खोलने से आप लोगों को जो ये वाला जो फ्रेम है, स्टील का जो ये फ्रेम है, ये निकल आएगा। फिर आप लोगों को एक शॉप में जाके ये चार जगह पे काटना है, एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे और चार जगह पे यहाँ से काट दे रहा है साड़ी गार्ड को। तो साड़ी जब काट जाएगा तो आप लोग का जो ये यहाँ से जो बड़ा वाला फ्रेम होता है, ये वाला फ्रेम हट जाएगा। फिर आप लोगों को घर पे आके इसको, मतलब ये जो फाइबर है इसको फिर से यहाँ पे लगा के इन नॉट्स को टाइट कर देना है। और टाइट कर देने से क्या होगा, आप लोग का जो साड़ी गार्ड है ये साड़ी गार्ड हट जाएगा और आप लोगों का जो टायर हगर है वो आप लोगों को मिल जाएगा, सिंपल। तो थोड़े दिन के लिए मैं तो मतलब विदाउट नंबर प्लेट चलाने वाला हूँ, ये है नंबर प्लेट, तो मैं नंबर प्लेट लगाऊंगा नहीं, तो संडे राइड पे जाऊंगा। कैसे जाऊंगा भाई साहब, विदाउट नंबर प्लेट देखने में क्या ही जहर लगती है। तो चलो यही था आज के वीडियो पे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय।